हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैप्सिकम और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। ये बहुत ही इजी और सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने कैप्सिकम ली है, इसे हमने कट कर लिया है इतने इतने पीसेस में। और ये हमने आलू लिए हैं, आलू को भी हमने कट कर लिया है फाइन चॉप किया हुआ। प्याज फाइन चॉप, टमाटर, ग्रीन चिलीज कटी हुई, सॉल्ट, ऑयल, रिफाइंड ऑयल लिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर। इन सब की मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विथ रेखा। कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड करेंगे हम अनियन, धनिया पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर देंगे। और ग्रीन चिलीज। फ्रेंड्स, इसमें हम कोई भी जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर जो है जब वो सब्ज़ी में आएगा तो वो कैप्सिकम की जो अपनी खुशबू है उसका फ्लेवर इतना नहीं आ पाएगा उभर कर। तो हम इसमें जिंजर गार्लिक ऐड नहीं कर रहे हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यदि हम जिंजर गार्लिक का फ्लेवर थोड़ा तेज़ होता है तो कैप्सिकम की जो अपनी खुशबू है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम कैप्सिकम आलू की सब्ज़ी में कैप्सिकम की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम इसे बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे। बस हमें इसे 2 मिनट तक ही अनियन को पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्रेंड्स, मैंने प्याज को 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर को हमें पकाना नहीं है, इसके साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे। कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट, मिक्स हो चुका है। अब हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच कर दिया है और अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। फिर तो हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने देते हैं इसे। पाँच मिनट हो चुके हैं, सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हम आलू को देख लेंगे कि कितना, देखिए बस हमारा आलू रेडी होने ही वाला है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, 3 मिनट या 3 से 4 मिनट तक। इसे इसी तरह से ढक्कन लगाकर फिर से हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 3 मिनट के लिए हमने फिर से सब्जी को पकाया है। एक बार फिर से हम आलू को काट कर चेक कर लेंगे। देखिए आलू हमारा पक चुका है। बिल्कुल आलू रेडी है। तो गैस की फ्लेम मैंने लो मीडियम पर रखी थी, अब मैं कुछ सेकंड्स के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर दूंगी, मीडियम हाई के बीच मैंने ओनली कुछ सेकंड्स के लिए की है।
क्योंकि हमारी सब्जी पक चुकी है बिल्कुल। और ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं हरा धनिया ऐड नहीं करूँगी, रीज़न वही है क्योंकि हमें इसका इसमें कैप्सिकम का फ्लेवर उभर कर चाहिए, कैप्सिकम आलू की सब्ज़ी में। तो आप चाहें तो हरा धनिया ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमारी कैप्सिकम आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे चपाती के साथ सर्व कीजिए। यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।